महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में लॉन्च की अपडेटेड हिम्मत प्लस और QR कोड। उस दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ दिल्ली के कमिश्नर अमूल्य पटनायक भी साथ नजर आए। अनिल बैजल की माने तो ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अहम कदम है। मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली पुलिस ने अपना हिम्मत ऐप अपग्रेड करके उसको और फंक्शनली यूटिलाइजेबल बनाया है, जिससे कि न सिर्फ ये मालूम पड़े कि मुसाफिर कहाँ से कहाँ जा रहा है, जा रही है लेडीज, इन दिस केस बहुत अच्छी बात है कि कम से कम ट्रैवल के लिए एक नए शहर से आए, दूसरी जगह से आए, रोज शाम को ऑफिस खत्म करने के बाद घर जाती हैं, रोज के जो एक आम काम होते हैं जिसको डेली चोर्स बोलते हैं जब वो करने जाती हैं, तो थ्री व्हीलर स्कूटर हो चाहे टैक्सी हो इस्तेमाल करना होता है, मगर ये नहीं मालूम पड़ता कि इस टैक्सी में बैठना चाहिए कि नहीं, सेफ है कि नहीं सेफ है। विश्वविद्यालय में चलते हैं तो वहाँ पे लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए हम लोग ये है कि जो भी यहाँ बैठेगी छिलनों की ये ड्राइवर और ये सेम है नहीं सेम है, और मैं इस नंबर की गाड़ी के साथ इस तरह जा रही, तो ये एक जो सर्वे कहते हैं कि दिल्ली में जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, जैसे आप एयरपोर्ट पे या मेट्रो पे आते हैं या बस अड्डा पे भी आते हैं, रेलवे स्टेशन पे आते हैं, तो घर जाने में कई बारी लूटपाट और गलती होती है, तो इसमें ड्राइवर वेरीफाइड है, ड्राइवर को पता है कि पुलिस को पता है कि मैं ये लेके जा रहा हूँ, गड़बड़ करेगा तो कहाँ जाएगा दया, पकड़ लूंगा। ये देखिए हमारे पास इनका ड्राइवर, इनका फोन नंबर, इनका लाइसेंस, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर, इनका परमानेंट एड्रेस, ओनर का सारा डिटेल पूरा पूरा है हम लोगों का। ओनर ही ई रिक्शा को चला सकता है, जिसके नाम से ई रिक्शा है वही ई रिक्शा चला सकता है, ये भारत सरकार के संविधान में अप्रूवल है। तो इसलिए ये है कि ये ड्राइवर और जो पैसेंजर है उसके बीच में ट्रस्ट पैदा करने का है। सारे ड्राइवर बुरे होते हैं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। पोस्ट निर्णय ये हो गया, लेकिन ये उम्मीद है, ये अटेम्प्ट है कि हिम्मत बहुत करेंगे, हिम्मत है ना, हिम्मत है सर, हिम्मत। हाय हाय दी, हाउ आर यू? यस दी, आई एम वेरी फाइन। चलो घर पे सब आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो टिकट ले लेते हैं पहले। भैया लाजपत नगर के लिए टैक्सी दीजिएगा। अभी आई और अभी मोबाइल में लग गई। हाँ दी, कम एक्चुअली ट्रैवल करते टाइम पर आई ऑलवेज मेक श्योर कि मेरे पास इमरजेंसी में हिम्मत ऐप जरूर होनी चाहिए। यू नो दी, भगवान ना करे कभी कोई मुसीबत हुई तो बस SOS का एक टच और मेरी लोकेशन आप लोगों के साथ साथ दिल्ली पुलिस वालों के पास ही पहुंच जाएगी। बेटे जी स्मार्ट हो गए हो, लेकिन हमसे थोड़ा सा कम। हिम्मत ऐप सिर्फ एक इमरजेंसी नहीं बल्कि एक डेली रूटीन ऐप बन गई है, जिसका हर वक्त हमारे मोबाइल में होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ SOS ही नहीं और भी बहुत कुछ खास है हिम्मत प्लस में। हिम्मत प्लस एन अपडेटेड वर्जन? यस। वाओ, पहले तो ये सिर्फ इंग्लिश में था, अब तो इसमें हिंदी का भी ऑप्शन है। और पहले इसे दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना पड़ता था, लेकिन अब हिम्मत प्लस की मोबाइल ऐप पर डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन होता है। नहीं, हाँ जी बोलते हैं। और ये देखो QR कोड कम्प्लाइंट टैक्सीज, ये जितनी भी टैक्सीज और कैब्स यहाँ पर खड़ी है ना, इन सब में दिल्ली पुलिस का एक QR कोड कार्ड है ड्राइवर की वेरिफिकेशन के लिए। भैया लाजपत नगर के लिए टैक्सी। QR कोड कार्ड यही है ना? हाँ जी। बट दी, इसे तो कोई भी आसानी से फोर्ज कर सकता है, सिर्फ फोटो ही तो चेंज करनी है। इंटेलिजेंट, पर ऐसा है नहीं। सी दिस, मैंने इसे QR कोड स्कैनर से स्कैन किया और ड्राइवर की सारी डिटेल्स आ गई मेरे पास। क्रॉस चेक करो और श्योर हो जाओ। Really good. And here comes the most important thing. जब भी QR कोड स्कैन करो तो उसके बाद रिपोर्ट जर्नी जरूर करो, ताकि दिल्ली पुलिस की टीम हमारी ट्रिप को ट्रैक कर सके।
भैया महिपालपुर की तरफ से नहीं मेहरम नगर की तरफ से लीजिएगा, वहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा है, ये रास्ता खाली मिलेगा। कैसे कैसे? अच्छा अच्छा, ये देखो, इसमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का फेसबुक हैंडल भी लिंक्ड है, यहाँ से ट्रैफिक का सारा हाल पता चल जाता है, और ट्विटर से ऑल द अपडेट्स ऑफ दिल्ली पुलिस। सुपर्ब। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, कि हिम्मत प्लस के QR कोड की ये फैसिलिटी सिर्फ एयरपोर्ट पर ही नहीं बल्कि दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर भी मौजूद है, ई रिक्शाज और ऑटो रिक्शाज में। जैसे विश्वविद्यालय, मालवीय नगर, साकेत, आनंद विहार, नेहरू प्लेस। बस नहीं, बाकी मेट्रो स्टेशन पर भी ये फैसिलिटी जल्द मौजूद होने वाली है। वाकई दी, आई एग्री। हिम्मत प्लस एक इमरजेंसी ऐप ही नहीं बल्कि एक डेली रूटीन ऐप बन गया है, और सभी लड़कियों के मोबाइल में ये ऐप होनी चाहिए। ऑफ कोर्स, वैसे थैंक यू की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात को कभी मत भूलना कि मैं तुझसे पहले इस दुनिया में आई थी। कुछ करने की ताकत दे, मुझे लड़ने की ताकत दे, आओ भरे हौसलों की उड़ान, हम उड़ चले, हिम्मत रख, आगे बढ़े, हिम्मत रख, अब डर नहीं जब हो अपने ये साथ। अपने अंदर तो हिम्मत रखनी है, अब अपने हाथों में भी रखनी है दिल्ली पुलिस की हिम्मत प्लस मोबाइल एप्लीकेशन।